तो हैकिंग का आरोप आज फिर से लगा, पेगासस पार्ट टू आप इसे कह सकते हैं। एक बार फिर से स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग का आरोप लगाया। दरअसल एक ईमेल एप्पल की तरफ से भेजा गया कुछ नेताओं को और उन्होंने आरोप लगाया मीडिया के सामने आकर के कि सरकार हैकिंग का काम कर रही, जैसा पेगासस के वक्त 2022 में कहा जा रहा था। लेकिन इसकी सफाई भी एप्पल की तरफ से दे दी गई कि गलती से ये मैसेज गया है, इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब एप्पल ने सफाई दे दी है तो फिर क्यों इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रियंका जी, जब एप्पल जिसने आरोप लगाया, जिसने मेल भेजा कि भाई आप संभल कर आइए, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो हैकर हैं वो हैक करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वही एप्पल कंपनी आपको फिर से ये सफाई दे रही है कि गलती से ये मैसेज गया, तो फिर इस मैसेज को मानने को विपक्ष तैयार क्यों नहीं है? देखिए, अभी भी एप्पल कंपनी ने साफ किया है कि इस अलर्ट के पीछे भी कारण नहीं बताए जा सकते, पर उन्होंने कहा कि ये मैसेज किया है, हम इसे लेकर जानकारी देने में पूरी तरह से अभी असमर्थ हैं, किसी वजह से हमें खतरे की सूचनाएं देनी पड़ रही हैं। तो इसको भविष्य को लेकर उन्होंने एक अलर्ट तो दी और उस पर वो अभी ये क्लियर नहीं किया है कि ये पूरी तरह से गलत है। तो मैं समझती हूँ कि अभी इसका कोई क्लियरेंस नहीं है, ना ही एप्पल की तरफ से, और सरकार को अगर लगता है कि एप्पल का कोई तरफ से कोई गलत मैसेज हो तो सरकार उसका खंडन करे, सरकार उससे सवाल पूछे, पर सरकार उल्टे ये कहे कि जो आप ये बताइए कि इससे किसको फायदा मिलेगा, विपक्ष को तो कोई फायदा मिलना नहीं है कि वो एक इल्जाम लगा दे। उसके पास तो एक ऑफिशियल मैसेज आता है, एक ऑफिशियल मेल आती है, एप्पल की आईडी से मांगती है, तो हमारा तो सवाल पूछने का हक है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर हमारा फोन हैक हो रहा है, हमारी चीजें, हमारा कैमरा, हमारा माइक्रोफोन सब कुछ हैक हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। तो प्रियंका जी, लेकिन एप्पल की तरफ से ये भी तो साफ तौर पे कहा गया कि हो सकता है कि गलती से ये नोटिफिकेशन जो है यूजर्स को भेज दिए गए हो। नहीं, हो सकता है, पर उन्होंने अभी क्लियरिफाई नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि ये हम अभी क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे, पर ये मैसेज हमने किया, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये काम अब सरकार का बनता है कि सरकार उसको चेक करे, पर सरकार क्यों चेक करे? ठीक है दीपक जी, लेकिन ये भी तो सामने आया कि 150 देशों में यूजर्स को ऐसे नोटिफिकेशन गए हैं, तो क्या मोदी सरकार 150 देशों में हैकिंग करवा रही है, फोन टैपिंग करवा रही है, जासूसी करवा रही है? देखिए, हमें हिंदुस्तान से मतलब है कुंदन जी, और विदेश में देश में क्या, और हमें सिर्फ देश से मतलब है। अच्छा, एप्पल में जो मेल आया उस मेल में लिखा क्या है? Apple believes that you have been targeted by state-sponsored attack. State-sponsored मतलब क्या हुआ? सरकार। तो सरकार को इसमें FIR लॉन्च करनी चाहिए ना, सरकार क्यों नहीं Apple के CEO के ऊपर FIR लॉन्च करा रहा है? भाई पूरा देश आपने हिला करके रख दिया रात 12 बजे से और शाम 8 बजे तक, उसका आप खंडन कर रहे हैं, किस बात का विश्वगुरु बनता है सरकार? सरकार को भी हिला करके रख देना चाहिए पूरी Apple कंपनी को, कि आप इस तरह खिलवाड़ कर रहे हो, आप किसी के जान माल के साथ, किसी के निष्ठा के साथ, किसी के प्राइवेसी के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हो, उसमें क्या लिखा है? नहीं दीपक जी, अब सरकार को कार्रवाई करेगी तो आप कहेंगे कि भाई एप्पल को डरा धमका करके अपने हिसाब से सरकार मोड़ कर रही है मामले को। कुंदन जी, लेट मी फिनिश। ये बताइए, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का मतलब क्या हुआ? स्टेट कौन है, गवर्नमेंट है कि नहीं है? तो जब गवर्नमेंट के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा रही है सीओ और सुबह कह रही है कि हो सकता है, अरे ये कैसी ऐसी मिस्टेक हो सकती है इतनी बड़ी कंपनी से, एप्पल ऐसी कंपनी से, ये खिलवाड़ है क्या कुंदन जी? कुंदन जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, अगर इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ मिल करके इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे आरोप सरकार के ऊपर लगाया। सरकार FIR करा ना, सरकार क्यों नहीं FIR करा रही है? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का मतलब क्या हुआ? कि सरकार द्वारा प्रायोजित, कि दैट हु आर यू, कौन है आप और क्या करते हैं आप, ये जानना चाहती है सरकार। नहीं दीपक साहब, आप सही बात कह रहे हैं कि सरकार और विपक्ष को मिलकर के पता लगाना चाहिए कि आखिर ये मेल आया तो कैसे आया। लेकिन राजीव रंजन साहब, जैसे विपक्ष ये कह देता है कि भाई सरकार ये काम करवा रही है, तो ये पता लगाना और ये पूरा मसला क्या राजनीति के रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है, फिर कोई सोल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पांडे जी के पास जाने से पहले, राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए कुंदन जी, प्रियंका जी बोली, उसके बाद दीपक जी बोले, दोनों लोगों की बात में यह है कि सरकार को FIR करानी चाहिए, यानी कि अभी 24 घंटे भी इस अलर्ट को आए अभी नहीं हुआ है, 12 बजे रात का अलर्ट है, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जी, और 24 घंटे नहीं हुए उसके बावजूद विपक्ष के सारे नेताओं ने सरकार के ऊपर सीधे आरोप लगा दिए कि सरकार इसमें शामिल है। अब जबकि उनके प्रवक्ता कहना है कि सरकार को FIR करानी चाहिए, तो सवाल यह है कि
हमको लगता है कि विपक्ष भी इस मामले पे क्लियर नहीं है कि वो सरकार के ऊपर कौन से आरोप लगाए। टैपिंग पहले भी होती रही है, नीरा राडिया टैपिंग, इतनी बड़ी टैपिंग इस देश में हुई, इतने बड़े बड़े कांड हुए, इसके पहले टैपिंग से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें टैपिंग में सरकार शामिल है? तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, हमको लगता है थोड़ा समय देना चाहिए, और समय अगर देंगे तो निश्चित तौर पर इस मामले का हल निकल के आएगा। और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी सरकार के दबाव में काम करेगी, ये मैं नहीं मान सकता। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, सिक्योरिटी आपके लिए एप्पल कंपनी जानी जाती है, और सिक्योरिटी में अगर कहीं पर लैप्स है और नोटिफिकेशन एप्पल कंपनी देती है और फिर उससे मुकर जाती है, कहती है गलती से भी हो सकता है नोटिफिकेशन गया हो। पांडे साहब, स्टेट को क्लियर करना चाहिए अगर ये प्राइवेसी का मसला है, अगर क्या है, अगर फोन टैपिंग किसी का भी हो रहा है, चाहे विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, आम आदमी का हो, मेरा हो, आपका हो, तो ये प्राइवेसी का मसला है, तो इस मसले को डील करने का अधिकार तो गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट क्या कोई ऐसा स्टेप उठाने जा रही है? किसी एफआईआर की जरूरत है क्या? देखिए, आपको बता दें कि एक तो एप्पल कंपनी में तुरंत उसके बाद उसको खारिज करने काम किया कि गलती से चला गया, अनेक 300 देशों में चला गया। दूसरी बात, जिनके यहाँ वो आया है, वो नेता चाहे तो एफआईआर करा सकते हैं, तो हम उसकी जांच कराएंगे। नहीं, एप्पल कंपनी जब पूछेंगे गलती से कैसे आ गया, लेकिन विपक्ष हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है क्योंकि नहीं। पांडे साहब, एफआईआर की जरूरत क्यों है? पांडे साहब, बड़ा सवाल तो यही कि एफआईआर की क्या जरूरत है? अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे नोटिफिकेशन आए हैं, लोगों के प्राइवेसी का मसला है, तो फिर ऐसे में एफआईआर की जरूरत तो नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिन नेताओं को लगता है कि उनका फोन हैकिंग किया जा रहा है, टेप किया जा रहा है, उनको एफआईआर करना चाहिए। हम उसकी जांच कराएंगे और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। फोन टेपिंग में कांग्रेस सरकार सबसे मशहूर रही है, नीरा राडिया से लगाए तमाम चीजें दिखाई दे रही है। अब वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि एप्पल कंपनी ने दोबारा कह दिया गलती से चला गया, 300 देशों में चला गया। एप्पल कंपनी उसका खुलासा करेगी कैसे चला गया, सरकार इतना तो पूछेगी ही। लेकिन जिस तरह से हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगा विपक्ष लगा रहा है, इसीलिए विपक्ष आज हाशिए पे जा रहा है, इसीलिए विपक्ष आज हास्यास्पद होता जा रहा है। इस तरह का अनर्गल फलाफ करती। प्रियंका जी, ये क्लियर कैसे होगा? सरकार अपने स्तर से जांच कराने को तैयार नहीं है, आप लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं, एप्पल कंपनी की तरफ से कहा गया कि गलती से हो सकता है नोटिफिकेशन चला गया हो, तो कैसे क्लियर होगा? क्या ये मामला फिर से सुप्रीम अदालत में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, तब ये क्लियर होगा कि ये जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सच्चाई है या बाद में एप्पल कंपनी की तरफ से जो सफाई दी गई उसमें सच्चाई है? मैं समझती हूँ कि एप्पल कंपनी को पूरी तरह से एक मैसेज फिर से करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि क्या ये गलती है या नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, अभी तक 12 घंटे हो जाने के बावजूद भी हम आप जब बैठे हुए हैं यहाँ पर 8:34 हो गए, तब तक कोई मैसेज नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे फायदा किसको? विपक्ष का ही फोन क्यों टैप हो रहा है और सिर्फ पत्रकारों का ही फोन क्यों टैप हो रहा है? तो ये एक सवालिया निशान भी है। क्यों सत्ता पक्ष के किसी मंत्री का नहीं हुआ, कि सत्ता पक्ष के लोगों का नहीं हुआ? तो मैं समझती हूँ कि सवालिया निशान सरकार के ऊपर है। और इससे पहले जब पेगासस का मामला उठा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ था कि सरकार इस मामले में किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रही है, जांच में सहयोग नहीं कर रही है। तो ये सरकार सहयोग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि सरकार को कोई डर नहीं। सुप्रीम अदालत ने कहा कि जो टेक्निकल कमेटी है उसने 29 फोन जो जांच के लिए सबमिट किए गए उसमें से 5 में जासूसी के सबूत नहीं मिले हैं। कुछ मालवे जरूर मिला लेकिन जासूसी के सबूत नहीं मिले, सुप्रीम अदालत ने तो कहा ना प्रियंका जी? नहीं तो उन्होंने कहा ना कि हमारी सपोर्ट ही नहीं किया, जब सरकार ही नहीं हेल्प करेगी तो कहां से जासूसी के सबूत मिल जाएंगे? ये भी तो आप बताइए, ये काम तो सरकार का है, पर सरकार को इससे फायदा है तो सरकार क्यों जासूसी के आरोप लेगी? मैं समझती हूँ पूरी तरह से एक जासूसी कांड है और इससे पहले भी हो चुका है। गुजरात का एक केस भी सामने आया था, उसके बाद भी कई तरह के केस सामने हैं। पेगासस के केस में भी यही हुआ कि सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आज सरकार को ये डर नहीं है कि उनका फोन हैक हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री जी का फोन हैक नहीं हो सकता? क्या उनको इस बात का डर नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि वो ही कर रहे हैं तो क्यों उनका फोन हैक होगा? क्योंकि समस्या ये है कि आज जो विपक्ष में है उनका फोन टैप हो रहा है, आज उन लोगों का फोन टैप हो रहा है जो बड़े बिजनेसेस में होंगे, उन लोगों का फोन टैप हो रहा होगा जिनसे सरकार को फायदा है।
सरकार उनकी अंदरूनी बात जानना चाहती है और ये चुनाव का समय है और एक सेंसिटिव मुद्दा है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको सिर्फ आईटी बिल्कुल ये सेंसिटिव मुद्दा है। और क्या सेंसिटिव मुद्दे पर चुनाव से पहले कोई मैलेज लेने की कोशिश हो रही? पांडे साहब, मैं एक बार फिर से सवाल पूछना चाहूंगा, एक साथ 150 से ज्यादा देशों में इस तरह के नोटिफिकेशन गए, तो क्या कोई एक गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, मोदी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? और मोदी गवर्नमेंट करे तो 150 देशों में एक साथ ऐसा नोटिफिकेशन कैसे हो सकता है? एप्पल कंपनी ने बाद में माना कि हो सकता है गलती से नोटिफिकेशन गया, क्योंकि एक देश में कोई जासूसी का काम हो सकता है, दो देश में हो सकता है, पांच में हो सकता है, दस में हो सकता है, एक साथ 150 से ज्यादा देशों में इस तरीके से मालवेयर स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके लोगों का फोन हैक किया जा रहा है, यह कैसे संभव है? देखिए, उसका उत्तर एप्पल कंपनी ने दे दिया, हो सकता है गलती से 300 देशों में 150 देशों में चला गया। आज 150 देशों ने तो कहा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी वो करा रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसा कांग्रेस सरकार करती रही है तो चोरों को सारे नजर आते हैं। चोर ये गाना आपको याद होगा, आज इनको लगता है फोन टैपिंग हो रहा है, जबकि आ गया है सीधे सीधे एप्पल कंपनी स्वीकार भी कर लिया है, कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई और आरोप लगा नहीं सकते, एक मौका ये क्यों खोए, इसलिए इन्होंने आरोप लगा दिया।